कानोता थाना क्षेत्र में दिनांक 28 दिसंबर 2021 को दो सरपंचों के अपहरण की घटना का 12 घंटे में पर्दाफाश हुआ। पूर्व सरपंच ही षड्यंत्रकर्ता निकला। चुनावी प्रतिस्पर्धा में चुनाव में कर्जा चुकाने के लिए फिरौती की योजना बनाई गई। मौज मस्ती करने के लिए लालच दिया गया। पूर्व सरपंच सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। घटना में लूटी गई ब्रीजा कार व मोबाइल भी बरामद किया गया। मामला पूर्व सरपंच व वर्तमान सरपंच के अपहरण व पूर्व सरपंच को साथ ले जाने तथा कार व मोबाइल का लूटने पर इस तरह के प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व अवनीश शर्मा के पर्यवेक्षण में टीम का गठन किया गया। घटना के संबंध में गठित टीम द्वारा तकनीकी सहायता के आधार पर ग्राम राजा रामपुर मऊ जिला फरुखाबाद उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां पर जगह जगह तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कई मुश्किलों का सामना करते हुए आरोपी शिवदान सिंह गुर्जर, तालिब खान, सुभाष गुर्जर, दिग्विजय को राउंडअप किया गया। उनकी सूचना के अनुसार मदनलाल गुर्जर को स्थानीय पुलिस की मदद से हमराह में लिया गया। चारों संदिग्ध वे मदनलाल को पूर्व सरपंच के थाने पर आए, जहां पर अनुसंधान कर चारों मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। इसकी काफी जगह तलाश की गई थी। ये पूर्व से वाहन चोर, आर्म्स एक्ट के मुकदमों में, चोरी के मुकदमों में कई जगह वांछित था। इसके विरुद्ध पूर्व से करीब 8 प्रकरण दर्ज है, जो ये अव्वल दर्जे का बदमाश है और वाहन चोर है। CST टीमें और अन्य टीमें इनकी तलाश थी। ये दौसा जिले से 2000 का पूर्व से इनामी घोषित था, जिसको CST टीम की सहायता से और थाना कानोता की टीम की सहायता से आपस में सहयोग से टीम बनाकर इसकी तलाश की, जिसमें परसों सॉरी कल दिनांक 29 को इसको दस्तियाब किया गया था। तो थाने के मुकदमे में इसको गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया गया है। इसको सूचना मिली थी CST टीम की सहायता से, तो थाना कानोता इलाके में गई, ये एक मोटरसाइकिल के साथ घूम रहा था, जहाँ इस मोटरसाइकिल के साथ इसको दस्तयाब किया गया था। तो मोटरसाइकिल भी इसके कब्जे से जब्त की गई है, जिसको इसने थाना इलाका सिप्रापत से चोरी करना बताया।